पाक घर है, अल्लाह का बाकी सब मुफ्ता घर, दुनिया की तमाम किस आदम से मोहब्बत है, लेकिन यहाँ के लोग हमारे पर ज्यादती कर रहा है, जिस वजह से मैं यहाँ से निकल रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलविदा कहते हुए मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ रवाना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से फरमाया, आप शहर में जाएं, वादी नखला का इंतखाब फरमाया है कि आप खजूर के बस्ती में चले जाएं, वहाँ के लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना पहुँचे हैं तो यहाँ के लोगों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में है, लेकिन कई दिन ऐसा गुजरा है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बाद सबा का वक्त था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो इन कबीला की छोटी छोटी बच्चियां तराना गुनगुनाई, सला अल बदर अलैना मिन सनियात अल विदाई वजब शुक्र अलैना मादा अनिल्ला हिदाई। क्या ये खुश नसीबी है कि हमारे सामने चांदनी का चांद नजर आने वाला है, हमारे लिए लाजिम है कि शुक्र बजा लाए। सामने आपको मस्जिद कुबा का मीनारा भी दिख रहा होगा, जिस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम हुआ है। बाज़ रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम 7 दिन हुआ, बाज़ रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम 11 रोज हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से फरमाया, मेरे हबीब आप तकवा की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद मस्जिद की तामीर फरमाए। सामने जो मस्जिद दिख रहे हैं मस्जिद कुबा है, इस्लाम की तारीख की पहली मस्जिद है, दुनिया के एतबार से 3 नंबर की मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम खाना काबा, दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा, तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा। अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज से निकले हैं, मदीना मनवरा के एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद मदीना मनवरा के होटलों में पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी ज्यारतें हो रही है, लेकिन जाहिरी आप यहाँ से जब मक्का मुकर्रमा जाएंगे, वहाँ आप उमरा करेंगे, तवाफ करेंगे, सही करेंगे, बैनियों बैन अल्लाह है कि अल्लाह कबूल करे कि ना करे, लेकिन यहाँ के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है कि आप 2 रकात नफिल अदा करेंगे, न यहाँ आपको तवाफ की जरूरत है, न यहाँ आपको सही की जरूरत है, बगैर तवाफ बगैर सही के 2 रकात नफिल अदा करेंगे आपको मकबूल मबरूर मिलेगा सवाब। तो ये आपके दाएं हाथ पर मस्जिद आ गई है मस्जिद कुबा, इस मकाम पे चलकर 2 रकात नफिल अदा करेंगे अपने लिए, अजीज व अकारिब के लिए, दोस्त व अहबाब के लिए, वतन अजीज के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ कर। ये है मस्जिद कुबा, ज़ियारत कर लीजिए आप लोग। यहाँ शनिचर के दिन हर शनिचर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, कभी पैदल कभी सवारी से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे, घर से वजू करके आते थे, अफजल है। यहाँ पे किसी भी ज़ायरीन का नमाज पढ़ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकबूल उम्रे का सबाब है। ये मर्द हजरात का इलाका है, ख्वातीनों के लिए उधर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ख्वातीन के लिए उधर जाए। ये है मेन सहन मस्जिद कुबा की।
माशाल्लाह मस्जिद कुबा में आप देखिए, ये हमारे ग्रुप के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी लगी मस्जिद कुबा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा, हम दोबारा आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ग्रुप में सब दोबारा तिबारा, कोई 10 बार, कोई 8 बार, कोई 15 बार, यही सब हैं माशाल्लाह सब लोग। फोटो लीजिए, ये देखिए फी सबीलिल्लाह, यहाँ पे कहवा पिलाया जा रहा है फ्री में, फी सबीलिल्लाह कहवा। यहाँ में एक शॉप भी है मस्जिद के सहन में, जूती स्नैक वगैरह यहाँ मिलते हैं सब चीज़ें।